शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयुध निर्माणी अंबाझरी के लाल झंडे AIDEF यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूका है। बीजेपी सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों को निगमीकरण करने, 74% FDI लाने, श्रम कानूनों में संशोधन कर काम करने का समय 8 घंटों से बढ़ाकर 12 घंटे करने की मंशा, अंशदान पेंशन योजना जैसे मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ न्याय पाने हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उस संबंध में संवैधानिक तरीके से प्रशासन एवं सरकार को सूचना देकर बुधवार को आयुध निर्माणी अंबाझरी गेट नंबर 1, 2 और 3 के समक्ष मतदान का आयोजन किया गया। इस मतदान द्वारा कर्मचारियों ने 100% हड़ताल के पक्ष में मतदान किया। यह हड़ताल निर्माणी में कार्यरत ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज यूनियन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन, आयुध निर्माणी मजदूर संघ और लोकशाही कामगार यू संगठन द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी, ऐसी जानकारी JCM सदस्य BB मुजुमदार ने दी है। हड़ताल की सफलता हेतु लाल झेंडा यूनियन के अध्यक्ष गिरीश खाड़े, महासचिव विनोद कुमार, विनोद राम टेके, आशीष पासघरे, प्रकाश डागरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनियन के अरविंद सिंह, प्रवीण महल्ले, चेतन कुमार अंजुम, लोकशाही कामगार यूनियन संगठन से जगदीश गजभिये, वेद प्रकाश सिंह, सुदर्शन मेश्राम, अविनाश रंगारी और अन्य कर्मचारियों ने इस मतदान प्रक्रिया में उपस्थित थे। कॉर्पोरेशन का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, FDI का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। अगस्त महीने में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल को बुलाया गया था, उस हड़ताल को देखते हुए और उसको सक्सेस को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा और तमाम जो JCA था फेडरेशन उनके साथ बातचीत करके ये निर्णय में आना पड़ा कि जो है हम कॉरपोरेशन डिक्लेयर करेंगे नहीं, हम बातचीत करके इसका हल करेंगे। एक मीटिंग जो है हाई लेवल कमेटी का हुआ था, उसमें भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम किसी भी हालत में बिना आपको पूछे, स्टेक होल्डर को बिना पूछे हम हड़ताल मतलब ये नहीं करेंगे, कॉरपोरेशन अपन करने वाला नहीं है। लेकिन अचानक 16 मई को फाइनेंस मिनिस्टर ने जो उनका ग्रोथ ब्रीफिंग चलता था, चौथे दिन में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉरपोरेशन करना है बिना किसी को पूछते हुए। हमारे साथ जो सरकार का एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को गवर्नमेंट ने तोड़ दिया है। 82,000 जो वर्कर है डिफेंस के अंदर उनके साथ सरकार ने गद्दारी किया है। उस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत पूरा हिंदुस्तान के 82,000 इम्प्लॉयज जो है सड़क पर उतर के आया है और फेडरेशन ने इस मामले में सरकार को लिख के भेज दिया है कि तुरंत अगर एक तरफा डिसीजन को वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। अब पूरा हिंदुस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अनिश्चितकालीन हड़ताल का तैयारी हो चुका है। इन बीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।